इंडोनेशिया आने के बाद बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही अनुभूति होती है एक अलग ही एहसास होता है और मैं भी वही वाइब्रेशंस फील कर रहा हो जिस जगह के साथ भारत का हजारों वर्षों का रिश्ता रहा हो और जिसके बारे में सुनते रहते हो कि हजारों साल में अनेक पीढ़ियां आई चली गई लेकिन उस परंपरा को कभी ओझल नहीं होने दिया हजारों साल से उस परंपरा को जीना पीढ़ी दर पीढ़ी उस परंपरा को जानना और हर पल उस परंपरा से जुड़े रहना वहां के लोग उस धरती एक अलग ही आनंद हो देती है अलग ही आनंद की अनुभूति कराती है आप कल्पना कर सकते हैं आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं हम यहाँ बाली में बैठे हैं बाली की परंपराओं के गीत गा रहे हैं उसी समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसी पल बाली से डेढ़ हजार किलोमीटर दूर भारत के कटक शहर में महानदी के किनारे बाली यात्रा का महोत्सव चल रहा है जिसे बाली यात्रा कहते हैं और ये बाली यात्रा है क्या ये महोत्सव भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों वर्षों के ट्रेड रिलेशंस को सेलिब्रेट करता है इंडोनेशिया के लोग इस बार की बाली यात्रा के फोटो इंटरनेट पर देखेंगे तो उन्हें वाकई गर्व होगा आनंद होगा उत्साह से भर जाएंगे और कई वर्षों बाद बीच में कोरोना के कारण जो दिक्कतें आई उसके कारण कुछ रुकावटें आई थी और अब कई वर्षों बाद बाली यात्रा ये महोत्सव उड़ीसा में बहुत ही बड़े स्केल पर भव्यता के साथ दिव्यता के साथ लाखों लोगों की भागीदारी के साथ मास पार्टिसिपेशन के साथ अभी मनाया जा रहा है